हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस सोनी। और जैसा कि हम सबको पता है, वो डेट आ गई है, वो एग्जाम आ गया है, जिसका हम लोग कुछ लोग एक साल से और कुछ लोग दो साल से तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग सब ने औसम तरीके से बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ यहां तक पहुंचे होंगे सब, और बहुत ज्यादा मेहनत की होगी सब ने, बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो फिर भी यार, मैं कुछ छोटे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं दो चीजों के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। एक, यहां से एग्जाम हॉल तक हम पहुंचे वहां तक क्या करना है, और एग्जाम हॉल में क्या करना है। इन दो चीजों के छोटे छोटे टिप्स मैं कुछ शेयर करूंगा। सबसे पहला कि यार, अब से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ना लोगों से थोड़ा मिलना अवॉइड करिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं थोड़े से नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तो वैसे लोगों से थोड़ा मिलना अवॉइड करिए। दूसरा यार, अपना थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए, और एग्जाम में, एग्जाम के दिन बहुत ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट या बहुत ज्यादा हैवी लंच करके नहीं जाइएगा। तीसरा कि अब ना यार ये फीलिंग लेके आइए कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम फॉर मी। अपनी वो जो एक ऐसी वाली फीलिंग जो हमारे अंदर चल रही ना, यार मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एग्जाम है और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये वो, इस फीलिंग को आप थोड़ा सा खत्म करिए, और इस आप एक ये थोड़ा सा मेंटेलिटी बनाइए कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम फॉर मी। तभी ना यार, जब हम उस दिन वहां पहुंचेंगे एग्जाम देने के लिए, तो हमारा माइंडसेट एकदम, हम अपने आप को काम रख पाएंगे, और काम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी चीज से रिलेटेड है नेक्स्ट 3 आवर्स जो आपके एग्जाम के रहेंगे, कि अपने आप को काम करना इसलिए भी जरूरी है कि हमको नहीं पता कि हमारा एग्जाम कैसा आने वाला है। हो सकता है बहुत ज्यादा इजी आए, हो सकता है बहुत ज्यादा टफ आए, या बीच का भी आ सकता है। बहुत ज्यादा इजी आएगा तो हो सकता है हमको शुरू के सब क्वेश्चंस बनना चालू हो जाए, शुरू के 5 क्वेश्चन तुरंत सटासट बने, या हो सकता है शुरू के 5 क्वेश्चन ना भी बने अगर बहुत टफ है तो। किसी भी कंडीशन में अपनी मेहनत के ऊपर यार पूरा विश्वास रखना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आपसे 5 क्वेश्चन बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, जैसा भी रहेगा, जो क्वेश्चन पेपर आपके पास है वही क्वेश्चन पेपर बाकी लोगों के पास है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, अगर सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। अगर शुरू के 5 क्वेश्चंस नहीं भी बने, अगर स्टार्ट जहां से आपने किया और वहीं से 5 क्वेश्चंस नहीं भी बने, तो हमको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। एक नॉर्मल फीलिंग के साथ में हमको एग्जाम देना है, एकदम कूल माइंड के साथ में। तो बस मैं इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और सबको बहुत ज्यादा एकदम दिल से ऑल द बेस्ट। मुझे एकदम विश्वास है, जो जो अच्छे से मेहनत किया यार, डेफिनेटली उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, और आप लोग सब अच्छा ही मेहनत कियोगे यार, कोई भी कमी क्यों ही छोड़ेगा, ठीक है? तो सबका अच्छा रिजल्ट अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं।